अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने इस पौधे पे एक वीडियो बनाई थी, इसको टिकोमा बोलते हैं। ये देख सकते हैं इस वक्त आप इस पे फूल के कितने ज़बरदस्त निकल आए हैं। तो सोचा आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करूँ ताकि आप दोस्तों में भी इस तरह के अच्छे अच्छे पौधों का शौक पैदा हो। परमानेंट पौधा है ये, इसी तरह रहता है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है इसने फूल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब मार्च का महीना ये चल रहा है और ये इस पर फूल आप देख सकते हैं, और पूरी गर्मियाँ इसी तरह इस पर फूल रहेंगे। ये आपको नज़र आ रहे होंगे कितने ज़बरदस्त गुच्छे निकले हुए हैं। ये देखें दोस्तों, इसको ग्रो कैसे किया जाता है ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि ये इसके सीड हैं, जब ये खुश्क होंगे तो ये बीच से लगाया जाता है, ये आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस पर फूल आया हुआ था तो इस वजह से मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए दोबारा वीडियो बनाना शुरू कर दी। ये दूर से आपको इस तरह नजरेगा, बहुत ही प्यारे फूल आए हुए हैं इस पर। दोस्तों इस तरह के काफ़ी सारे पौधे हैं जो कि परमानेंट पौधे हैं, लेकिन हमें कुछ पौधों का पता नहीं होता जिस वजह से हम उनको लगा नहीं पाते और खूबसूरत तो बहुत ही हैं। ये काफ़ी बड़ा पौधा है, इस वजह से ये आपको अंदर से खुश्क नज़र आ रहा है। अगर हम इसको नीचे से फुट डेढ़ फुट छोड़ के काट दें तो ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, लेकिन हमने इसको काटना नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे से इसने फूल उठाना शुरू किए हैं। ये यहाँ से इस तरह ये होता हुआ ये पूरे पौधे पर इस वक्त फूल आ चुके हैं और ये भर चुका है फूलों से, और फूल भी बहुत ही आला किस्म के इसके नज़र आते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त फूल है। तो दोस्तों ये उसी पौधे का दूसरा पौधा मैंने तैयार किया था, उसी पौधे से उसके बीच से मैंने ये दूसरा पौधा तैयार किया था। ये देखें ये बिल्कुल ग्रीन है और लश ग्रीन है बिल्कुल, और ये भी फूल उठा चुका है इस वक्त। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये अगर आपके पास एक फिट के करीब भी पौधा है तो उसने फूल उठाना शुरू कर देने हैं। और अपने मौसम में ये आजकल गर्मियां पूरी इसी तरह फूल उठाता रहेगा और भरा रहेगा फूलों से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको मैं वो पौधा भी दिखा देता हूँ जो कि एक फिट के करीब है, उसने भी फूल उठाए हुए हैं, वो भी बिल्कुल फूलों से भर चुका है। ये भी आप देख लें जी। तो दोस्तों ये देखें, ये इसी के नीचे खुद ही उगाया था। ये देखें अब इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा कुछ ही दिन बाद। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसने फूल उठाना शुरू कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।